युगो युगो तक चलता रहेगा। आपका यह कारवा होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पन्ना में अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। सीहोर में आदिवासी समाज जन ने आदिवासी दिवस पर जुलूस निकाला। इसमें पारंपरिक परिधान में शामिल हुए युवक युवतियां जमकर थिरके। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर 5 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 साल फरार चल रहा आरोपी बैर सिंह बारेला पिता किशन बारेला निवासी पागरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी स्थायी वारंटी घोषित हो चुका था। ये कार्यवाही थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के निर्देशन में एसआई शिवलाल वर्मा, आरक्षक राम मनोहर, आरक्षक अशोक किर, आरक्षक महेंद्र राजपूत, आरक्षक फूल सिंह ने की। आरोपी को लाड़कुई क्षेत्र के ग्राम पांगरी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीहोर में आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज जन ने जुलूस निकाला। इसमें शामिल समाज जन पारंपरिक परिधान में नजर आए। वहीं ढोल, मांदल और बांसुरी की धुन चारों ओर गूंजी। तहसील चौराहे से जुलूस निकाला गया जिसका समापन भोपाल नाका स्थित कंचन गार्डन पहुंचकर हुआ। इस दौरान जुलूस युवक युवतियां जमकर थिरके। इस दौरान कांग्रेस विधायक शैलेंद्र सिंह पटेल एवं पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने भी जुलूस में शिरकत की, बल्कि मांदल भी बजाया। इस मौके पर सुनील निर्मला बरेला, विक्रम अछालिया, विपिन टोपो, रमेश बारेला प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। जो हमारा आज आदिवासियों का विशाल जल समारोह निकला है उसका उद्देश्य है कि 9 अगस्त 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी संस्कृति को बचाने, उसकी वेशभूषा को बचाने, उसकी परंपरा को बचाने, उसको संरक्षण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये विश्व आदि दिवस का ऐलान किया। और आज इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आज हमारे पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सीहोर में भी उसी को लेकर एक विशाल जल समारोह निकाला गया है और उसमें पूरे जिले के समस्त आदिवासी संगठन पूरे भाग लेकर पूरे लोग को एकत्रित कर अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है। धार जिले के धर्मपुरी तहसील की ग्राम बलवारी का नाम आया उस समय सुर्खियों में जब पंचायत ने 5 लाख की राशि आहरित कर ली लेकिन सड़क नहीं बनाई थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अफसरों ने जांच के आदेश दिए तो सरपंच और सचिव ने आनन फानन में सड़क का काम शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि इस मामले को न्यूज 29 इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बलवारी की, जहां सचिव बलराम वर्मा व सरपंच रमेश चंद ने करीब 5.25 लाख की राशि निकाल ली मगर काम नहीं किया। जब इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की तो सरपंच और सचिव ने सड़क बनवाने शुरू कर दिए। इस मामले को न्यूज 29 इंडिया प्रमुखता से दिखाया था। प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा एक मामले में आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई। पन्ना के विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा की अदालत ने अमानगंज के ग्राम बिल्हा निवासी 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी रत्न कुशवाहा को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला पन्ना के अमानगंज थाने के ग्राम बिल्हा का है जहां आरोपी ने 5 मई को बहला फुसला कर उसके साथ खोटा काम किया। मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। बताया जा रहा है कि 3 माह में फैसला सुनाया गया। पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। अमिताभ मिश्रा साहब विशेष न्यायाधीश पन्ना के द्वारा से आज आरोपी रतन कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा हुई।
घटना ऐसी है कि दिनांक 5/5/18 को ग्राम बिलहा 10 वर्षीय मासूम अबोध पीड़िता की मां द्वारा थाना मानगंज में रिपोर्ट लेकर आई थी कि 10 वर्षीय अबोध बालिका मासूम बच्ची को आम के पेड़ की रखवाली के लिए भेजी थी। तभी आरोपी रतन कुशवाहा आया और उससे मासूम बच्ची से बोला कि मेरी चाबी गुम गई है, ढूंढवा दो। इस पैसे वो बच्ची को ले गया, बाजू में झगड़ों की कुटिया थी, ले जाकर उसने बुरा काम किया। स्थानीय लोगों द्वारा 100 डायल को बुलाया गया। थाना कमानगंज द्वारा विवेचना पश्चात चालान न्यायालय प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय अमिताभ मिश्रा साहब द्वारा आरोपी को आज दोषी पाया है। पास्को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 और 6 में इन्हें आजीवन कारावास, 1,000 रुपया अर्थदंड, न देने की दिशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 342 में 1 वर्ष 1,000 रुपया के दंड से दंडित किया गया। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आदिवासी दिवस पर आदिवासी महिला पुरुष हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हुए सड़कों पर नजर आए। समाज की एकता, अखंडता और पारंपरिक वेशभूषा का परिचय देते हुए आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी समाजों ने नगर में विशाल रैली निकाली जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में पहली बार आदिवासी जन समुदाय द्वारा इतनी बड़ी तादाद में रैली निकाली गई। अभी की खास खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।